वेलकम बैक टू माई चैनल द डिवाइन पावर 111111। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए जल्दी से चेक कर लेते हैं कि आपके पार्टनर के मन के अंदर क्या चल रहा है, क्या एनर्जी है, क्या फीलिंग्स हैं, क्या सोच रहे हैं। तो रीडिंग जर्नल है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। वीडियो को देखते हुए आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं लेना है क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है। रीडिंग के साथ आपको एंड तक बने रहना है, थीठा पर भी ध्यान नहीं देना है। तो चलिए जल्दी से ध्यान कर लीजिएगा अपने पार्टनर का, तीन बार लीजिएगा उनका नाम, तीन बार लीजिए उनका नाम अपने नाम के साथ और कार्ड्स के साथ कनेक्ट करते हुए बार बार उनका नाम दोहराइएगा। तो देखते हैं कि यूनिवर्स हमको क्या बताते हैं। यूनिवर्स इस समय मेरे व्यूअर्स जिस भी व्यक्ति का नाम ले रहे हैं अपने नाम के साथ, जिनको वो बहुत याद करते हैं काफ़ी लंबे टाइम से, जिनकी वो वेट कर रहे हैं, तो प्लीज़ गाइड कीजिएगा उनके पर्सन की अभी इस वक्त की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर को लेकर क्या है, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। तो चलिए चेक करते हैं कि कौन से कार्ड्स हमें यूनिवर्स देते हैं और ये कार्ड्स हमको क्या बताते हैं। तो मैं कार्ड्स निकालने वाली हूँ। ओके, पहले कार्ड्स लगा लेते हैं। आपकी एनर्जी भी इसमें साथ ही निकल के आई है। ओ माय गॉड, हाई प्रिस्टेस, नाइट ऑफ कप्स, वर्ल्ड। आप काफ़ी बर्डन फील कर रहे हो इस रिलेशन में जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे हमें कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आप जिस भी व्यक्ति से डील कर रहे हो उनमें काफ़ी ईगो है, काफ़ी स्टबन नेचर के हैं। इन्होंने आपको अपनी लाइफ से अभी इस वक्त पे साइड लाइन किया हुआ है। ये बात आपको कहीं ना कहीं काफ़ी हर्ट करी है। आप काफ़ी टाइम से अपने पार्टनर को लेकर वेट कर रहे हो, आप काफ़ी अलोन फील कर रहे हो, कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ आप अपने दिल की बात कर सको। यहाँ पे मून कार्ड की एनर्जी बता रही है कि आप इस समय काफ़ी उदास हो, काफ़ी सैड हो, काफ़ी अकेलापन आप फेस करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। आपके पर्सन में ईगो बहुत ज़्यादा हो सकती है, हमेशा थर्ड पार्टी के कारण इन्होंने आपको दूर किया है। थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। थर्ड पार्टी को इन्होंने हमेशा प्रेफरेंस दी है। काफ़ी ज़िद्दी हो सकते हैं, बात जब आपकी आती है तो उसी समय ये डिसीजन लेते हैं कि इसको छोड़ो और थर्ड पार्टी की तरफ जाओ, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इन्होंने हमेशा आपको लेफ्ट आउट फील करवाया है, फिर बाद में इनको जब रिग्रेट हुआ है अपने डिसीजन पे, तो ये प्यार का कप लेके आपकी लाइफ में वापस आ जाते हैं, फिर आपको वही लवी डवी बातें करते हैं और आपको फिर से अपने अपनी लाइफ में वापस ले आते हैं, जिसके कारण आप भी इनकी बातों में आ जाते हो क्योंकि आप मुझे यहाँ पे काफ़ी इमोशनल दिखाई दे रहे हो। यहाँ मुझे कुछ इस तरह से भी लग रहा है कि इस व्यक्ति ने कई बार आपका दिल तोड़ा है, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बार बार आपकी लाइफ में एक ऐसा साइकिल चलता जा रहा है जिसके कारण आप काफ़ी हर्ट हुए हो, काफ़ी बर्डन फील करते हुए मुझे आप नज़र आ रहे हो। इस रिलेशन में काफ़ी मुझे ऑन ऑफ दिखाई दे रहा है। हर बार आपने इनको मौका दिया है, जब भी आपकी लाइफ में वापस आए हैं आपने हमेशा इनको हंसकर वेलकम किया है, मुझे यहाँ पे कुछ इस तरह से भी दिखाई दे रहा है। कई बार इस व्यक्ति ने आपको पेन दी है, आपको हर्ट किया है। आप काफ़ी हार्ड वर्कर हो, यहाँ मुझे इस तरह से लग रहा है कि आप अपने काम की ओर ध्यान देना चाहते हो। मे बी आप कोई टैरो रीडर हो सकते हो, कोई हीलर हो सकते हो, डॉक्टर हो सकते हो। हाई प्रिस्टेस का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आप किसी हीलिंग के फील्ड में मुझे ज़्यादातर दिखाई दे रहे हो। ये सबके साथ रेजोनेट करे ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है? तो यहाँ मुझे कुछ इस तरह से लग रहा है कि आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते हो। जब भी ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आते हैं तब आप पॉजिटिव हो जाते हो और जी जान लगाकर अपने काम की ओर ध्यान देते हो, लेकिन जैसे ही ये आपकी लाइफ से जाते हैं तो आप बर्डन फील करते हो। आपको इस तरह से आपका कुछ काम करने का मन नहीं करता है। आप बहुत कोशिश करते हो पॉजिटिव होने की, लेकिन बार बार आपका मन इनकी तरफ भटकता है। आप इनको बहुत याद करते हो, आप भी इन सब
जो ये सिनेरियो है ना, इन सब चीज़ों से आप थक से गए हो। आपने अपनी फीलिंग्स, इमोशन इस व्यक्ति को दिए। ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा आपने इस व्यक्ति को, इस रिलेशन में इन्वेस्ट किया है, लेकिन आपको इस रिलेशन में कुछ भी मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इस रिलेशन में आपके साथ चीटिंग हुई है, धोखा हुआ है, बहुत से झूठ बोले गए हैं। यहाँ तक कि आपको इस रिलेशन में आज तक स्टक करके रखा है। आप हैंग्ड हो इस रिलेशन में। आप काफ़ी टाइम से अपने पार्टनर को चेज करते हुए भी नजर आ रहे हो। आप इस रिलेशन में न्यू बिगनिंग चाहते हो। आप इस रिलेशन में चाहते हो कि आपके पार्टनर अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स करें, लेकिन जो मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, आप बार बार एक ही लूप में, आपके रिलेशन में और आपकी लाइफ में, ये जो रिलेशन है ये बार बार एक ही लूप में चलता जा रहा है। यहाँ मुझे कुछ इस तरह से भी फीलिंग आ रही है कि अब आप इस रिलेशन पे काम नहीं करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे ये जो व्यक्ति है ये इन पेंटिकल्स को देख रहा है। क्यों देख रहा है? क्योंकि इसने सारे पेंटिकल्स का काम कर लिया है। तो आपने भी इस रिलेशन में अपनी हद से ज़्यादा वर्क किया है, काफ़ी इमोशंस दिए हैं, प्यार दिया है, इंतज़ार दिया है, लेकिन अब आप सोच रहे हो कि मैंने इतना एफर्ट्स कर दिया है, लेकिन अब क्या, इस व्यक्ति की तरफ से मुझे कुछ हासिल क्यों नहीं होता है। आप इस रिलेशन में काफ़ी बर्डन फील करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। इस रिलेशन में आपको हमेशा एक अकेलापन मिला है। मून कार्ड की एनर्जी बता रही है कि इस रिलेशन में आपको अगर 2 पल की खुशी मिली है, तो सालों साल आपको एक लंबा इंतज़ार मिला है, एक अकेलापन मिला है। आपने, आपकी लाइफ में जब भी ये व्यक्ति आए हैं, तो इन्होंने क्या करा है, आपकी लाइफ में इतना प्यार दिया है, लेकिन एक तूफ़ान की तरह आए हैं, लेकिन जब भी ये गए हैं उस तूफ़ान में आपको अकेला छोड़ कर गए हैं। आप सालों तक उस तूफ़ान से अकेले ही लड़े हो, लेकिन जैसे ही आप स्टेबल होते हो, अपनी लाइफ में मस्त होते हो, वैसे ही इस व्यक्ति की एंट्री आपकी लाइफ में फिर से हो जाती है। क्योंकि यहाँ मुझे इस व्यक्ति का इन एंड आउट बहुत ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड बता रहा है कि इन्होंने बहुत ऑन ऑफ सिचुएशन करी है इस रिलेशन में। यहाँ पे अगर हम बात करें आपके पार्टनर की एनर्जी की, ठीक है, तो यहाँ पे जो बॉटम ऑफ द डेक आया है डेथ कार्ड, तो अब आपके पार्टनर की अवेकनिंग होती हुई मुझे नज़र आ रही है। ये फिर से आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं, एक स्मॉल जेस्चर के साथ ही आपकी तरफ बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि अब ये फिर आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। तो ये बहुत जल्दी आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं अपने प्यार का कप लेकर। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बता रही है कि फिर से ये वही इमेच्योर बिहेवियर आपके साथ करने वाले हैं, न्यू बिगनिंग करेंगे, आपको फिर बहुत सारे, या जैसे 10 ऑफ पेंटिकल आया है, आपको बहुत सारे वादे करेंगे, बहुत सारी कमिटमेंट करेंगे कि मैं ऐसा कर दूंगा या ऐसा कर दूंगी, कुछ ऐसा करके फिर ये आपकी लाइफ से मुझे फिर से वही सिचुएशन होती हुई नज़र आ रही है। 5 नंबर 2 बार आया है, तो इस रीडिंग के बाद अगर आपको 555 नंबर दिखता है, तो इसका मतलब है ये साइन होगा कि इस रीडिंग में जो भी आपके लिए मैसेज आया है वो सही है। क्योंकि 555 नंबर अगर आपको दिखता है, तो ये पॉजिटिव चेंज भी बताता है और एक नेगेटिव चेंज भी बताता है। यहाँ मुझे इस तरह से लग रहा है कि आपके पार्टनर डिसीजन नहीं ले पाते हैं, जो मुझे उनकी एनर्जी से नज़र आ रहा है, जिसके कारण आपका ये जो रिश्ता है ना, ये काफ़ी ख़राब होता जा रहा है। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपको 3 साल, 8 साल, 5 साल हो गए हैं इस रिलेशन में, सिर्फ वेट ही करते हुए। आपको एक पल में इस तरह से लगता है कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन दूसरे ही पल आपको इस व्यक्ति की तरफ से एक चीटिंग देखने को मिलती है। ये बिना कुछ क्लोजर दिए, बिना कुछ बोले ही आपकी लाइफ से चले जाते हैं, और थर्ड पार्टी को प्रेफरेंस देते हुए आपके पार्टनर मुझे नज़र आ रहे हैं। जैसे ही ये तेज़ी से आपकी तरफ आते हैं, वैसे ही तेज़ी से आपकी लाइफ से चले जाते हैं। यस, इनकी लाइफ में, आप दोनों के बीच में यहाँ मुझे थर्ड पार्टी साफ साफ नज़र आ रही है, जिसको ये ज़्यादा प्रेफरेंस देते हुए नज़र आ रहे हैं। थर्ड पार्टी कौन हो सकता है? थर्ड पार्टी इनकी फैमिली, इनके फ्रेंड्स, इनका काम, इनकी ईगो, अगर आप किसी मैरिड के साथ डील कर रहे हो, तो इनका लव पार्टनर भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये फिर से नई शुरुआत करते हैं, आपके पास फिर से आते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं, फिर से लवी डवी बातें करते हैं। जैसे ही आप इनके जाल में फंस जाते हो, फिर ये एक कोई बहाना लगाकर ये आपकी लाइफ से चले जाते हैं, कुछ इस तरह से मुझे नज़र आ रहा है। तो यूनिवर्स अभी इस वक्त ये क्या सोच रहे हैं, क्या ये मेरे व्यूवर्स की लाइफ में वापस आएंगे? चलो ये देख लेते हैं कि क्या ये वापस आएंगे। यस, डेफिनेटली फिर से ये आपकी तरफ एक कमिटमेंट लेकर वापस आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। लेकिन क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये आपके बिना बहुत अकेलापन, बहुत उदास है, ये आपको फिर से पाना चाहते हैं।
आपके लिए ये काफ़ी उदास हैं, पास की बातों को सोच रहे हैं, अब इनकी लाइफ में कोई चार्म नहीं है तो ये आपकी लाइफ में फिर से वापस आने वाले हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स कपल आया है यहाँ पे, ये देखिए किंग ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। अब काफ़ी लंबे टाइम से इनकी वेट कर रहे हो, ठीक है, तो आपके पार्टनर आपकी तरफ से आपकी तरफ वापस आ रहे हैं, अब ये आपकी तरफ देख रहे हैं, पहले ये आपकी तरफ नहीं देख रहे थे, आपको छोड़कर आगे बढ़ रहे थे, अब ये आपको अपने प्यार का कम देना चाहते हैं। लेकिन साथ ही यहाँ पे भी एक ब्लैक कैट दिख रही है और यहाँ पे एक लिजर्ड दिख रही है, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि ये आपकी लाइफ में वापस आ तो रहे हैं, इनकी अवेकनिंग हो रही है, लेकिन यहाँ पे मुझे व्यूवर्स को कुछ ट्रिगर मिलता हुआ भी नज़र आ रहा है। किंग ऑफ सोर्ड, ये फिर से क्विंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी में चले जाएंगे, ये थोड़े टाइम के लिए आते हुए मुझे दिख रहे हैं। देखो ये एक जर्नल रीडिंग है, इस बेस पे आपने कोई डिसीजन नहीं लेना है, जो कार्ड्स में आया है वो मुझे बताना बनता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये परमानेंट आपका यूनियन होगा, नहीं, ये फिर से आपकी लाइफ में आएंगे, ये मैरिड हो सकते हैं या ये इनकी कहीं शादी फिक्स हुई है, कुछ इस तरह से भी दिख रहा है। यहाँ पे भी 5 नंबर है, तो इस रीडिंग के बाद डेफिनेटली आप लोगों को 555 नंबर या 555 नंबर दिख सकता है, तो समझ लीजिएगा कि आपके पार्टनर की एनर्जी इस तरह से है। जब भी आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है, इनसे बात करनी है, इनके एक्शंस और वर्ड्स को अच्छे से समझना है, फिर डिसीजन लेना है। चलिए गाइडेंस लेते हैं, यूनिवर्स आपको क्या बताते हैं। तो यूनिवर्स, इन ऐसी सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए, माय डियर ब्यूटीफुल एंजल्स, कि उनको इस समय क्या कुछ करने की ज़रूरत है, क्या करना चाहिए अगर इनके पार्टनर इनकी लाइफ में वापस आते हैं इस इंटेंशन के साथ कि वो फिर से वापस जाएंगे। देखो ये एक जर्नी का पार्ट है, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपको अपने पार्टनर की तरफ से हर स्टेज में अलग अलग तरह से ट्रिगर दिए जाते हैं, तो ये वही स्टेज है, आपको ये आएंगे, आपको ट्रिगर देंगे और फिर आपकी लाइफ से चले जाएंगे, क्योंकि इनको अभी ट्रिगर मिल रहे हैं, तो ये देखना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। इनकी लाइफ में काफ़ी अप्स एंड डाउन चलते हुए नज़र आ रहे हैं, इनके मुझे हेल्थ इश्यूज़ दिख रहे हैं, फाइनेंशली भी कुछ लॉस दिख रहा है, जिसके कारण ना, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स पेंटिकल्स के भी बहुत सारे आए हैं, तो जिसके कारण ना ये अब ये देखना चाहते हैं कि अब आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो उसको देखेंगे, परखेंगे, फिर आगे डिसीजन लेंगे। तो अगर हम क्या करेंगे, हम एडवाइस लेंगे अपने एंजल से। आपको एंजल्स बोल रहे हैं आप रेडी हो, आपके पार्टनर वापस आ तो रहे हैं, जो आप मांग रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो हम उनको वापस भेज रहे हैं, तो क्या आप लोग तैयार हो? एंजल्स किसके लिए, चीज़ के लिए आप बोल रहे हो? एक्शन लेने के लिए। यस, यहाँ पे एंजल्स आपको समझाना चाहते हैं कि अगर आपके पार्टनर आपकी तरफ वापस आते हैं तो आपको एक्शन लेना है, आपको उनकी बातों को सुनना है, वर्ड्स को देखना है और फिर उनको अपने एक्शन में आना है। हाँ भाई, तुम अगर वापस आए हो तो क्या परमानेंट वापस आए हो कि फिर से जाने वाले हो? इनसे खुल के आपको कम्युनिकेशन करनी है, खुल के बात करनी है कि बार बार मैं ऐसे ट्रिगर नहीं हो सकती, मैं इस पेन में बार बार नहीं रह सकती, मैं बार बार हर्ट नहीं हो सकती, तो तुम बताओ तुम क्या चाहते हो? आपको बैठ के आराम से प्यार से इनसे बात करनी है, ठीक है? आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हुई मुझे नज़र आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे भी पेंटिकल्स दिख रहे हैं, तो हो सकता है आपकी कोई कहीं जॉब लग सकती है, जॉब में प्रमोशन हो सकती है, जॉब के रिगार्डिंग आप कहीं शिफ्ट कर सकते हो, ट्रैवल करते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हो, तो यहाँ पे एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आप रेडी हो, आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, तो अब आपको रेडी रहना है कि आपको इस तरफ एक्शन लेना है या अपने पार्टनर की तरफ एक्शन लेना है, ठीक है? नोट द राइट टाइम, अगर ये वापस आते हैं तो अभी भी ये टाइम डिवाइन टाइम नहीं है, आपको फिर भी पॉजिटिव होकर डिसीजन लेना है, ऐसा बोला जा रहा है। देखो कि ये देखो मैंने बोला ना, आपको क्लियरली बात करनी है, कम्युनिकेट क्लियरली। देखो कितने राइट आंसर आए हैं, राइट गाइडेंस आई है, जैसा हमने रीडिंग में पूछा था वैसे ही आपके लिए आंसर आए हैं, तो देखो आप ध्यान दो, जो हम रीडिंग में बात कर रहे थे वही आंसर हमारे सामने एंजल्स ने रखे हैं कि हम आपको अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, अब आपको डिसीजन लेना है कि आपको किस तरफ जाना है, आपको अच्छे से अपने पार्टनर से कम्युनिकेशन करना है, क्लैरिटी के साथ उनसे बात करनी है, और लेकिन आपको पॉजिटिव ही रहना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं ना, 5 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ सोर्ड, तो आपकी इनके साथ लड़ाई भी हो सकती है, कुछ मुझे ऐसा भी मैसेज रिसीव हो रहा है, क्योंकि अगर आप इनसे पूछ रहे हो कि हाँ भाई तो अगर आप आए हो तो कुछ क्लैरिटी दो, तो उस रिगार्डिंग ये मुझे इस तरह से लग रहा है कि ये अभी कमिटमेंट देने के मूड में नहीं है, कमिटमेंट देने के लिए इनमें अभी स्ट्रेंथ नहीं है। हमें यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड भी दिखा था ना,
ये देखो अभी ये स्ट्रेंथ में नहीं है, ठीक है, तो अभी ये आपको कमिटमेंट नहीं देंगे। अगर आप कमिटमेंट की बात करोगे तो आप दोनों के बीच में कुछ झगड़ा भी हो सकता है, इसीलिए यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको पॉजिटिव रहना है, पेशेंस से काम लेना है, क्योंकि ये अभी राइट टाइम नहीं है, ये अभी डिवाइन टाइम नहीं आया है आपकी यूनियन का, ठीक है। समझ रहे हो मेरे इस पॉइंट को? अगर समझ नहीं आ रही है तो इस रीडिंग को ध्यान से, आराम से, स्लो मोशन में होकर सुनिए, तो आपको पता चल जाएगा। कम्युनिकेट क्लियरली, आपको क्लियरली बात करनी है अपने पार्टनर से। नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपके पार्टनर आपको अप्रोच करने वाले हैं, ऐसा कुछ मैसेज यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से दिया जा रहा है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करके बन जाना है मेरी इस प्यारी सी ब्यूटीफुल सी सोल फैमिली का हिस्सा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।